हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर पहली बात को सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिखा है बेटा, रूट फोर बाय रूट नाइन। तो क्या मैं इसको क्या कहते हैं 2 into 2 लिख सकती हूँ, और इसको क्या मैं 3 into 3 लिख सकती हूँ। फिर से हम ऐसे पैर बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का पैर बाहर आ जाएगा एंड 3 का पैर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, रैशनल हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलता है, रूट ट्वेल्व को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ट्वेल्व को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, राइट। तो इसमें से हमने 2 का पैर बाहर कर दिया, तो ये कितना होगा बेटा, 2√3/√3 आएगा। रूट थ्री एंड रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, 2 कैसा आ गया बेटा, रैशनल नंबर आ गया, राइट। अब आता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है बेटा, रूट ऑफ 7। रूट के अंदर कोई भी अगर प्राइम नंबर लिखा हुआ है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर लिखा होता है, तो वो हमेशा कैसा होता है बेटा, इरेशनल होता है, राइट। पर हम एक बार ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। रूट 81 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 81 को क्या मैं 9 into 9 लिख सकती हूँ, फिर 9 का पैर बाहर आ गया तो क्या होगा, 9 आ गया। तो ये भी कैसा होगा बेटा, रैशनल। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।